हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.1 पूरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 11th क्लास का जो मैथ्स है वो पूरा अपलोडेड है, लेकिन क्वालिटी इश्यूज की वजह से हम दोबारा आप लोगों के लिए सारी वीडियोस लेकर आ रहे हैं विद एग्जांपल विद इंट्रोडक्शन। तो आई होप आपको ये वीडियोस काफी यूजफुल लग रही हो। अगर आपको ये यूजफुल लग रही हो तो प्लीज अपना कीमती समय निकालकर हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए, बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं 5.1 एक्सरसाइज और पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में। चलिए देखिए, आपको मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर ऑब्वियसली, तो क्या होगा, जो रियल नंबर है वो रियल नंबर से मल्टीप्लाई, यानी 5 को -3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था कि कभी भी आपको √-1 नजर आए तो आयोटा पुट कर देना, लेकिन कभी आयोटा की जगह कुछ और रिप्लेस नहीं करना। इसके अलावा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू -आयोटा और आयोटा 4 की वैल्यू 1, ये दिमाग में फीड कर लीजिए अच्छे तरीके से, राइट। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या आ गया आपके पास +3, दैट इज द आंसर। अब आप एक चीज पहले से तैयार रखिए कि हमेशा आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, वो हमेशा a+b आयोटा की फॉर्म में आती है। तो हम इसे लिख सकते हैं 3+0 आयोटा, ये इसका रिजल्ट है, जिसमें रियल पार्ट है 3 और इमेजिनरी पार्ट है 0, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, यहां पर भी हमने आपको बताया था सिर्फ आपको ये चार वैल्यूज याद करनी है। आयोटा की पावर 4 ही आपकी मदद करेगा सारी पावर सॉल्व करने के लिए। तो आपने क्या करना है, 4 के टेबल में देखना है कि 9 से छोटा क्या आता है, 8 आता है, और रिमाइंडर लिख देना है, राइट। सिमिलरली अगर हम 19 की बात करें तो 16 पूरा पूरा डिविजिबल है और 3 लिख देना है। फिर क्या करना है, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 1। अरे भाई, बेस सेम होता है तो हम पावर्स ऐड करते हैं, यहां पर उल्टा किया है हमने, बेस सेम था, पावर एडिट थी, हमने उनको मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा है। सेम आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा की पावर 3। अब देखिए, जहां पर भी आप 4 के मल्टीपल पावर देखे, आग बंद करके उसे 1 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1, यहां रह जाएगा आयोटा, ये हो जाएगा 1, यहां रह जाएगा आयोटा क्यूब। अरे मैम, ऐसे कैसे कर दिया आपने, आपको बता देती हैं, चलिए घबराइए मत। आयोटा की पावर 4 की पावर 2, ये लिख सकते हैं हम इसको। नाउ आयोटा की पावर 4 इज 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। सिमिलरली आयोटा की पावर 16 को आप लिख सकते हो 4 की पावर 4। अब आयोटा की पावर 4 क्या होती है, 1, तो उसकी जितनी मर्जी पावर करो तो 1 होगा, क्लियर। चलिए, अब आयोटा को तो कभी रिप्लेस नहीं करना, लेकिन आयोटा क्यूब किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा, तो यहां हमने रख दिया माइनस आयोटा और हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अब तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान कर दिया, बिकॉज इस सेशन में पोलर फॉर्म काट दी है, जो कि इस चैप्टर में सबसे बड़ा कंसेप्ट था। बाकी एक्सरसाइज, बाकी चैप्टर बहुत इजी है, गो फॉर इट। अगर आपने मार्क्स अच्छे लेने हैं तो ये चैप्टर आपका काम करेगा। चलिए देखिए, आयोटा की पावर -39, कभी भी किसी भी पावर को नेगेटिव नहीं रहने दिया जाता, ये बात हमने एक्सपोनेंशियल चैप्टर में पढ़ रखी है। तो उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है जी। अब हमें आयोटा की पावर 39 निकालनी है, 4 से बड़ी कोई भी पावर निकालनी है, बेस्ट तरीका यह है कि 4 का मल्टीपल अलग लिखकर रिमाइंडर मेंशन कर दो, ठीक है ना। सॉरी, यहां पे 36 आ सकता है और रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपके पास, 3। सॉरी, अब आप क्या लिख सकते हो इसे, आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा की पावर 3, क्योंकि ये पावर 4 का मल्टीपल है, आप इसे आंख बंद करके क्या लिख सकते हैं, 1। क्या बचेगा आपके पास, 1 अपॉन आयोटा क्यूब। नाउ आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा, तो अब हम क्या करेंगे इसको, 1 अपॉन माइनस आयोटा। क्या मैम आगे कुछ और करना है, बिल्कुल करना है, कभी भी नीचे आयोटा नहीं रहने देते। अगर आपने हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी है, तो जहां पर हमने पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन आपको दिया है, तो कभी भी आयोटा नीचे नहीं रहने देना, जैसे रूट नहीं रहने देते, तो अब इसे रैशनलाइज कर दो, तो आयोटा से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। अब बच्चों का सवाल होता है, क्या मैम इसको प्लस से, इसके अपोजिट साइन से करना जरूरी है, वो जरूरी नहीं है, बिकॉज हमारा पर्पस है आयोटा हट जाना चाहिए, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव से हमें कोई लेना देना नहीं। साइन कब चेंज करते हैं, जब दो टर्म्स होते हैं तब हमें साइन चेंज करना जरूरी होता है। चलिए, ऊपर मल्टीप्लाई आयोटा माइनस एज इट इज, ये कितना हो गया आयोटा स्क्वायर। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा आंसर कितना बच गया यहाँ पर, आयोटा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नॉर्मल ब्रैकेट्स खोल देते हैं इसको। आ गया 21, आ गया 21 आयोटा, आ गया 7 आयोटा, आ गया आपके पास 7 आयोटा स्क्वायर। ध्यान रखिए, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब -आयोटा, आयोटा 4 1,
ठीक है। अब 21 तो एज इट इज रख देते हैं, ये लाइक टर्म्स है, यानी सेम टर्म्स है। 21 आयोटा 7 आयोटा इट्स बिकम 28 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 7। अब ये दोनों बिना आयोटा वाले नंबर्स हैं, तो ये सब प्राप्त हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा आपके पास? 14 प्लस 28 आयोटा। दिस इज बेसिकली ए प्लस बी आयोटा फॉर्म, जहां पर ए की वैल्यू है 14 और बी की वैल्यू है 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5। माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 6 आयोटा। अब आप लाइक टर्म्स को प्लस कर दीजिए, 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा कितना बन गया? माइनस 7 आयोटा। हो गया क्वेश्चन। अगर हम इसे देखें ए प्लस बी आयोटा में, तो ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 7, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है, ठीक है ना। तो आप इसे यहां पर प्लस लगाकर यहां माइनस लगा सकते हैं, क्लियर। तो ये आपके पास बी की वैल्यू हो गई माइनस 7। तो देखिए हमने 10 मिनट से कम में 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर कितना आसान है। जरूर करिएगा इस चैप्टर को। माइनस ओपन कर दीजिए, 1 प्लस 5 2.5 आयोटा माइनस 4 माइनस 5 बाय 2 आयोटा। अब ये दोनों बिना आयोटा वाले नंबर्स हैं, तो ये रियल नंबर्स कहलाते हैं, रियल पार्ट कहलाते हैं, इन्हें अलग सॉल्व कर लीजिए। और इन दोनों में से क्या करने वाले हैं? हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 बाय 5 माइनस 5 बाय 2 आयोटा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस 20, दैट मींस माइनस 19 अपॉन 5। और अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ रहा है 10, 4 माइनस 25, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास? माइनस 21 अपॉन 10 आयोटा। तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए की वैल्यू है माइनस 19 अपॉन 5 और बी की वैल्यू है माइनस 21 अपॉन 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ये वाला, ठीक है ना। अब देखिए ये इसमें ऐड नहीं हो सकता, बिकॉज ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ब्रैकेट तो ओपन करना ही पड़ेगा। तो ब्रैकेट हमने ओपन करा 1/3 7 अपॉन 3 आयोटा प्लस 4 1 अपॉन 3 आयोटा। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4 बाय 3 माइनस आयोटा। पर पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये दोनों रियल पार्ट है, इनको ऐड कर लेते हैं, 1/3 प्लस 4, ठीक है जी। और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया 7/3 1/3 आयोटा। अब ये वाला ब्रैकेट भी हमने ओपन कर दिया। नाउ ये आ गया 12 प्लस 1 13 अपॉन 3, ये आ गया 8 अपॉन 3 आयोटा प्लस 4/3 माइनस आयोटा। अब ये दोनों साथ में प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 17 अपॉन 3, और इसमें से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं, ये आ रहा है 8/3 माइनस 1 आयोटा। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा? 5/3। तो 17/3 प्लस 5/3 आयोटा इज द आंसर, राइट। आई होप यहां तक क्लियर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहां पर आकर कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा अटक जाते हैं, तो अटकने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाते हैं। देखिए 1 माइनस आयोटा के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करिए सबसे पहले, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट अलग लगाइए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और पूरे का क्या चल रहा है? होल स्क्वायर। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बताई हुई है आपको? माइनस 1। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू 1। बार बार लिखेंगे अपने आप याद हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस 1, यह माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। नाउ ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब जो ये चीज बची, इसका स्क्वायर करना है, तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव 2 और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया माइनस 4। आप इसे लिख सकते हैं माइनस 4 प्लस 0 आयोटा, जहां ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4 और बी की वैल्यू हो जाएगी 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर तो देखिए ए प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी खोलनी है। फिर जब हम ऐसे बात बोलते हैं, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मैम हम फॉर्मूला भूल चुके हैं। तो कोई बात नहीं बच्चों, ये देखिए हम लिख कर दे देते हैं आप लोगों को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। तो चलिए ए क्यूब 1/3 का होल क्यूब आ जाएगा 1/27, बी क्यूब इट्स 27 आयोटा क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। तो यहां पर थोड़ा ध्यान से करिएगा, ये आ गया 1/27। नाउ आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो इसको हमने रख दिया माइनस आयोटा। अब देखिए ये है 1/9 और ये भी 9 हो रहा था, तो वो कट जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ आयोटा, क्लियर। ये वाले 3 से 3 कट गया, ये आ रहा है आपके पास 9 आयोटा स्क्वायर। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? माइनस आयोटा।
क्लियर। तो चलिए ये आ गया 1/27, दिस इज -9 है ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -9 हो जाएगा, तो ये इसके साथ ऐड कर दो -27 आयोटा प्लस आयोटा, ये कितना आ गया -26 आयोटा। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है -242/27 एंड -26 आयोटा। आई होप इट्स क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें ए माइनस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है, राइट। बस ये ध्यान रखना है कि जैसे देखिए ए माइनस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे तो माइनस से पहले वाली टर्म जो है वो ए है आइडेंटिटी के लिए, याद रखिए, और माइनस के बाद वाली टर्म जो है वो बी है ना। तो कई बच्चे बी जो है वो नेगेटिव ले लेते हैं, सिर्फ ए नेगेटिव होगा क्योंकि देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस से पहले ए और माइनस के बाद बी। ए माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी, इट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। चलिए -2 का होल क्यूब माइनस 1/3 आयोटा का होल क्यूब, यहां से देख सकते हैं आप -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नाउ दिस इज -8, दिस इज 1/27 आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी बच्चों, माइनस आयोटा, तो ये प्लस कर दो और यहाँ आयोटा लिख दो, ठीक है। ये वाला 3 से कट जाएगा, दिस इज 4, तो ये आ गया 4 आयोटा, ठीक है। अभी ऐसे 3 से 3 मत काट देना बिकॉज स्क्वायर लगा हुआ है, तो 9 आएगा यहाँ पर, एक 3 से कट जाएगा तो ये बचेगा -2/3 आयोटा स्क्वायर। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमने यहाँ पर पहले ही सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये हो गया +2/3। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। हम ये स्टेप में क्यों कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको कोशिश करनी है कि थोड़े से स्टेप्स आप कम कर सकें बिकॉज आपको 1 मार्क्स दिए गए हैं और टाइम भी 2 मिनट का 1 मिनट का इतना ही करीब करीब आपको मिलेगा। तो चलिए ये आ गया -24 + 2, तो ये आ जाएगा -22/3। इसमें आप 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, तो यार आपके पास -107/27 आयोटा। तो ये आपके पास ए है और ये आपके पास क्या है बच्चों, बी, क्लियर। चलिए अब आपके पास एक कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई नई चीज नहीं है, हम सीख चुके हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल को उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। जैसे 5 का रेसिप्रोकल 1/5, ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 3 का रेसिप्रोकल 1/3, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। बट यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है एनसीईआरटी में, तो वी शुड गो फॉर फॉर्मूला एज वेल एज मैं आपको दूसरा मेथड भी सिखाऊंगी अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं। और जब अब तो आप लोगों के पास वैसे भी एमसीक्यूज हैं, तो आप जो मेरा सेकंड मेथड है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज फॉर्मूला चेकिंग नहीं होगी, हमें तो सिर्फ ऑप्शन करेक्ट करना है, राइट। तो फिलहाल जेड इनवर्स जिसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलेगा, Z का कॉन्जुक्वेट अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर। ये क्या है मैम, ये Z का कॉन्जुक्वेट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया होगा उसके कॉन्जुक्वेट का मतलब होगा उसके आयोटा से पहले वाले नंबर का साइन बदल दो, तो ये छत हटेगी और आयोटा से पहले का साइन जो है वो बदल जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। लाइक जैसे अगर मान लीजिए 2+3 आयोटा है ना, तो अगर हम इसका कॉन्जुक्वेट निकालें तो 2-3 आयोटा हो जाएगा, और अगर हम इसका फिर से कॉन्जुगेट निकालें तो 2+3 आयोटा हो जाएगा, क्लियर। ऐसे अगर मान लीजिए -2+3 आयोटा है और मैंने आपको कहा है इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो -2 को मत चेंज कर दीजिएगा, मैंने क्या बोला आपको, सिर्फ और सिर्फ आयोटा से पहले का साइन बदल जाता है, ये होता है कॉन्जुगेट में, ठीक है जी। और मॉडुलस इसे कहते हैं मॉडुलस, इसमें क्या होगा जो भी ए और बी की वैल्यूज हैं उनके स्क्वायर, आयोटा नहीं आएगा, देखिए ए और बी की वैल्यूज के स्क्वायर के सम को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस। तो ये फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, क्वेश्चन देखते हैं समझ आ जाएगा कैसे करना है इसको, राइट। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, अब हमें क्या करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। एक तो कॉन्जुक्वेट चाहिए और एक मॉडुलस का स्क्वायर चाहिए। तो कॉन्जुक्वेट क्या होगा बच्चों, कॉन्जुक्वेट होगा आयोटा से पहले का साइन बदल दो, ये लो 1 मिनट में कॉन्जुक्वेट निकल आया। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है -3, क्लियर। तो ये आ गया आपके पास 16+9=25, ये कितना आ गया आपके पास 5। तो चलो अब फटाफट से यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, उसने बोला मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये आ गया 4+3 आयोटा मॉडुलस का स्क्वायर 25, इसे आप लिखेंगे 4/25
3/25 iota. ये देखिए वो भी क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा मैम दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड थोड़ा सा लॉजिकल मेथड है। किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है। तो सिंपल सी बात है, हम यहां पर इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब आपको ये बात बताई गई है कि नीचे आयोटा नहीं रहने दिया जाता, जैसे रूट नहीं रहने दिया जाता, तो अब हम क्या कर देंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। 4+3 iota 4+3 iota, ऊपर आ गया 4+3 iota, नीचे बच्चों आइडेंटिटी बन गई x-y x + y, और आइडेंटिटी के लिए पूरा x है और ये पूरा y, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और 3 iota का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4+3 iota, दिस इज 16 -9 iota square। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर आंसर आया था वही सेम आंसर इसका भी आया है, राइट? तो आप चाहें तो लॉजिक से कर सकते हैं, आप चाहें तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, इट्स टोटली योर विश। लेकिन अगर हमें सब्जेक्टिव में करना होता तो हम यही कहते हैं कि एनसीईआरटी वाला तरीका ही आप फॉलो करें, लेकिन ऑब्जेक्टिव में यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मॉडुलस अपॉन कॉन्जुगेट, सॉरी कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट, एंड दैट इज मॉडुलस का स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट निकालने सबसे पहले क्या होता है, आयोटा से पहले का साइन बदल जाता है, और मॉडुलस कैसे निकलता है, ए की वैल्यू कितनी है 5, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस हमेशा यहां प्लस ही रहेगा, बी की वैल्यू है 3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9, तो ये कितना आ रहा है आपके पास 14। अब यहां पर आ जाओ, z इनवर्स कैसे निकलेगा, कॉन्जुकेट दैट इज 5-3 iota मॉडुलस का स्क्वायर दैट इज 14। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, 5/14 3/14 iota। क्या मैम इसको ऐसे करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, बिकॉज जो हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म सीखी है वो a प्लस बी आयोटा सीखी है बच्चों, और a अलग और b अलग होना जरूरी है। क्लियर? आप इसको इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल लीजिए और इसे रैशनलाइज कर दीजिए, यू गेट द सेम आंसर, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। तो चलिए क्या फॉर्मूला है, पहले हम निकाल लेंगे कॉन्जुकेट। तो ये बेसिकली क्या है, 0-iota, तो ये क्या हो जाएगा 0+iota, क्योंकि कॉन्जुकेट में आयोटा से पहले का साइन बदल जाता है। फिर हमें मॉडुलस चाहिए, तो ए की वैल्यू है 0 और बी की वैल्यू है -1, तो ये आ जाएगा 1, और 1 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, कुछ भी पावर करते हैं, तो 1 ही होती है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जेड इनवर्स कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट है 0+iota और मॉडुलस का स्क्वायर 1, तो आंसर कितना आ गया 0+iota इज द फाइनल आंसर, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहता है इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है जी, यहां पर देखिए ऊपर आइडेंटिटी लग रही है x + y x - y, क्या आइडेंटिटी लग जाएगी x² - y², तो ये हमारा बन गया x² - y². नीचे नॉर्मली आपने माइनस देखा है तो आप माइनस कर दीजिए, ये हो गया 9, ये हो गया 5 iota² नाउ यहां पर क्या कट रहा है, √3 से √3 कट रहा है, नीचे रह गया 2√2 iota, √2 iota √2 iota, 2√2 iota। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1, तो ये हो जाएगा +5, ये आ गया 14/√2 iota, ये से काट दीजिए। अब नीचे रूट भी नहीं रहने देते और आयोटा भी नहीं रहने देते, तो क्या करना पड़ेगा, √2 iota से रैशनलाइज कर दो, ये आ गया 7√2 iota, √2 को √2 से करेंगे 2, एंड दैट इज आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जब भी नजर आए आपने उसकी वैल्यू जरूर रखनी है, विच इज -2, तो यही आपके पास क्या है बच्चों, इसका फाइनल आंसर। तो आई होप पूरी एक्सरसाइज 20 मिनट के अंदर आपको वर्दी लगेगी, टाइम सेविंग भी लगेगी, साथ साथ समझाया साथ साथ किया, और 20 मिनट में हमने एक्सरसाइज करी। अब आप भी इसे आधे घंटे में फटाफट कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए, और जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं उनका दिल से बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग वर्क क्लासेस।